हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होते हैं। इंजीनियर्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की इस वीडियो में। इंजीनियर्स ये वीडियो बहुत खास होने वाले है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा आज किसी सेक्टर में सिविल इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो है हाईवे कंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में जानेंगे हम हाईवे कंस्ट्रक्शन के बेसिक्स। केवल बेसिक्स ही नहीं दोस्तों, वीडियो में बेसिक से एडवांस तक की नॉलेज आपको मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर यकीन मानिए दोस्तों, वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, IAS कोर्स की नॉलेज और क्वालिटी प्रोसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दो इंजीनियर्स, अब बात करते हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी की, जो कि इस इंडस्ट्री के शहंशाह और बादशाह कहला जाते हैं। ये है हमारे देश के हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दोस्तों इन्हीं के सफल नेतृत्व में आज इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड मैन्युफैक्चरर बन पाया है। हर साल हम जो है दोस्तों हजारों किलोमीटर जो है रोड कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। और बात करें दोस्तों 2023-24 की, तो हमने 2023-24 में 12,300 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट किया है, यानी पर डे के हिसाब से दोस्तों हम जो है 34 किलोमीटर यहां पर रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। 2020 और 21 की बात करें तो 36.5 किलोमीटर के हिसाब से हमने दोस्तों पूरे साल में 13,327 किलोमीटर जो है रोड कंस्ट्रक्ट किया है। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से ड्रॉइंग्स जो है हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले है दोस्तों मॉडल लेआउट। जब आप सर्वे वर्क करते हैं तो दोस्तों इस तरीके का जो हमारा सर्वे और लैंड सर्वेयर जो होता है साइट पे जाके दोस्तों ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन की हेल्प से सर्वेइंग वर्क को परफॉर्म करता है। सर्वेयर जो है दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाके जो डाटा लेके आता है वो देता है उसको डिजाइनर को, और हमारा आर्किटेक्ट और ड्राफ्टमैन जो है दोस्तों इस तरीके के ड्रॉइंग्स को प्रिपेयर करते हैं और इसको कहा जाता है मॉडल लेआउट ड्रॉइंग्स। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो पूरा रोड किस तरह से हमारा चल रहा है वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि रोड में इसलिए जरूरी होता है सर्वे वर्क क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्रोफाइल है तो रोड को वो हिल्स में कुछ और होता है और प्लेन्स में कुछ और होता है। हिल्स में आपने देखा होगा रोड जो है दोस्तों वो आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा और जो है उसमें स्लोप काफी होता है, जबकि प्लेन्स में ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो इसलिए हमें सर्वे वर्क जो है रोड्स का परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम लोग ग्रेडियंट्स वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये चेनेज का सेक्शन है, जो हम लोग सर्वे पॉइंट्स लेते हैं वो कितने कितने मीटर पे हम लोग ले रहे हैं, तो इसकी हेल्प से हम वो चीज यहां पर कर सकते हैं। चेनेज में आप देखेंगे कितने इंटरवल पे जो है सर्वेयर ने जो है कोऑर्डिनेट्स को उठाया है वो हम लोग दोस्तों इस क्रॉस सेक्शन के हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है दोस्तों चेनेज का डिस्टेंस भी मिल जाता है और यहाँ पर FRL जो है आपको मिल जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं सेक्शन ड्राइंग की। तो सेक्शन ड्राइंग में सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ वेल कॉम्पैक्टेड सॉइल, ठीक है। उसके ऊपर है दोस्तों नेक्स्ट लेयर हमारी सब बेस, जिसकी वेरीज लिखा हुआ, वेरीज मतलब 300 mm to 500 mm, जो भी आपको सुटेबल है एज पर द साइट कंडीशन के हिसाब से हम 300 mm से लेकर 500 mm तक की यहां पर लेयर प्रोवाइड कर सकते हैं सब बेस की, ठीक है दोस्तों। उसके ऊपर है दोस्तों ग्रेनुलर सब बेस, GSB जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी लेयर की थिकनेस यहां पर मेंशन की गई है 110 mm। उसके ऊपर है दोस्तों वाटर बॉन्ड मैकेडम, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो है वाटर बॉन्ड मैकेडम की जो थिकनेस कही गई है 230 mm, ठीक है दोस्तों। WBM जिसको हम बोलते हैं उसकी लेयर का थिकनेस है। उसके ऊपर है दोस्तों DBM मतलब डेंस बिटुमिन मैकेडम, ठीक है दोस्तों। इसकी लेयर का थिकनेस बताया गया है 50 mm। उसके ऊपर हमारी जो लेयर है दोस्तों बिटुमिनस कंक्रीट, जिसकी की लेयर थिकनेस है 50 mm। इसके अलावा दोस्तों टैक कोट और सील कोट की लेयर भी हम लोग रोड में कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो इंजीनियर्स अब डिस्कस करते हैं उन स्टैंडर्ड IAS कोड और गाइडलाइंस को, जिसको फॉलो करते हुए हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को सेफ्टी और क्वालिटी के साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है इंडियन रोड कांग्रेस, जिसको कि हम IRC कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको कि हम MORTH कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको कि हम BIS कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसको कि हम NBC कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अलावा भी हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, बट क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग की बात करें तो दोस्तों हम लोग IAS कोड जो है दोस्तों 2386 मतलब IAS कोड 2386 को यूज करते हैं एग्रीगेट टेस्टिंग के लिए। सॉइल टेस्टिंग के लिए हम लोग IAS 2720 को यूज करते हैं। बिटुमिन टेस्टिंग के लिए हम लोग दोस्तों IAS कोड 1201 मतलब 1201 को फॉलो करते हैं। सो इंजीनियर्स अब डिस्कस करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को। रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है दोस्तों प्रोसेस है। इसमें प्लानिंग, डिजाइनिंग, एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस आता है दोस्तों वो प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का आता है। इसमें हम दोस्तों फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि हमारा जो रोड है दोस्तों वो कैसी लोकेशन पे है, और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या उसका एनवायरमेंट पे कोई इंपैक्ट तो नहीं आ रहा है।
नेक्स्ट दोस्तों कि उसकी कॉस्टिंग कितने आने वाली है और नेक्स्ट दोस्तों उसकी बेनिफिट्स क्या है, मतलब ऐसी जगह पे तो नहीं है जहां पर पॉपुलेशन ही नहीं है या जहां पर हमें रोड बनाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो वहां पर हम अननेसेसरी पैसा और टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन पे। तो ये सारी चीजें देखनी होती है फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों सर्वेइंग एंड मैपिंग, जब आपने प्लान कर लिया कि हाँ मुझे ये चीज बनानी है, आपने फिजिबिलिटी देख लिया, उसके बाद दोस्तों सर्वेइंग एंड मैपिंग जिसके भी हम ऑटो लेवल और टोटल सेशन के हेल्प से सर्वे वर्क को परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा जो है रोड ग्रेडियंट सही हो, रोड का विड्थ सही आए, और इसमें हम टोपोग्राफी देखते हैं, टेरिटेरियन देखते हैं और साइड की जो है दोस्तों ज्योग्राफी भी देखी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों की डिजाइनिंग, जब आपने सर्वे कर लिया उसके बाद डिजाइनिंग, जो डाटा आप फील्ड से टोटल स्टेशन या ऑटो लेवल से लेके आते हैं उस डाटा को हमारा ड्राफ्टमैन या आर्किटेक्ट जो है दोस्तों वो कन्वर्ट करता है सेक्शन प्लान के अंदर, और उसके बेसिस पे ही दोस्तों हमें एक्चुअली जो है साइट की कंडीशन ऑफिस में बैठे बैठे समझ में आ जाती है, ठीक है दोस्तों। और उसी के बेसिस पे फिर हम लोग जो है मटेरियल सिलेक्शन वगैरह सेफ्टी जो है स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर साइट प्रिपरेशन, जब आपकी ऑफिशियल वर्क जो है दोस्तों कंप्लीट हो जाता है फिर साइट की प्रिपरेशन करना है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइट पे सबसे पहले क्लीनिंग एंड एक्सकवेशन किया जाता है, जो भी हमारे वहां पर घास वगैरह जो है दोस्तों या कोई अननेसेसरी ट्रीज वगैरह हैं जो कि रोड के बीच में आ रहे हैं तो उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके हटाना होता है। सो इंजीनियर्स परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स आपको मौका दे रहा है अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, जहां पर कि आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए अपनी सिविलिंग की स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक प्रोफेशनल सीनियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन PIFC को गूगल प्ले स्टोर से या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके अपनी स्किल्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से इंप्रूव कर सकते हैं और सीख सकते हैं दोस्तों ऑटोकैड केवल 49 रुपीज में, सीख सकते हैं रैपिड डिजाइनिंग केवल 99 रुपीज में, सीख सकते हैं प्रेमिवरा केवल 99 रुपीज में, सीख सकते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग का एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडिंग, बार बाइंडिंग शुरू, रेट एनालिसिस, ब्यूरो प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलेशन, ऑनलाइन टेंडिंग, ऑफलाइन टेंडिंग केवल 349 रुपीज में, मतलब 349 रुपए में। और दोस्तों हम आपको मौका दे रहे हैं 28 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल्स को इंप्रूव करने का हमारे ऑनलाइन A to Z अबाउट सिविल कोर्स के थ्रू ओनली 1499 रुपीज में, जिसमें कि आप 28 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की स्किल्स को सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेंडरिंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सीखना चाहते हैं बिलिंग को, सीखना चाहते हैं बार बाइंडिंग शेड्यूल को प्रिपेयर करना, तो केवल 99 रुपीज में आप सीख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल, टोटल सेशन, डाटा ट्रांसफर, डाटा प्रोसेसिंग को भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के थ्रू हमारी एप्लीकेशन से सीख सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में इन इंस्ट्रूमेंट को सीख के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर एक लैंड सर्वेयर, टोटल सेशन ऑपरेटर बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट पास स्टूडेंट हैं तो आप सीख सकते हैं कंस्ट्रक्शन फोरमैन का कोर्स कर सकते हैं, सुपरवाइजर का कोर्स कर सकते हैं, सर्वेइंग के कोर्सेज को। और दोस्तों हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको डेली मिलते हैं ढेर सारे डिस्काउंट एंड ऑफर, जिनसे कि आप और भी अफोर्डेबल चार्जेस में अपनी सिविलिंग की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड